लेकिन आपको किसने भी मार, आपको किसने खिलाया था जबरदस्ती कल, है आप तो नहीं खा रहे थे ना? नहीं, फिर वो किसने करा, किसने खिलाया? डैडी ने। मैं ले लो आप। तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और मैं एज यूजुअल ऑफिस जा रहा हूँ, और निष्ठा सो रही थी रात को, उसको उल्टी भी हुई थी थोड़ी बहुत रात को, सुबह मतलब सुबह ही हुई है 4-5 बजे, थोड़ी बहुत उल्टी करी उसने, खा लेती है उल्टा सीधा, रुकती है नहीं, तो उल्टी करी उसने और उसके बाद वो सो गई। तो अभी मैं तो निकल गया हूँ ऑफिस के लिए, और निष्ठा की मॉम की तबीयत भी अभी थोड़ी ठीक है, बाकी मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। आज बहुत काम है क्योंकि कल छुट्टी है ऑफिस की, तो आज जो भी पेंडिंग काम है सारा निपटाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल ऑफिस जाते हैं और फिर आप लोगों से हम मिलते हैं शाम को। तब तक आप निष्ठा एंड निष्ठा की मॉम को देखो क्या कर रहे हैं वो आज पूरा दिन। बाकी मैं तो निकल गया हूँ, बस थोड़ी ही देर लगेगी मेरे को यहाँ से पहुँचने में। और अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे कहीं पे बालपुर के आसपास। बाय चाचू। बाय बाय। बाय टीचर। बाय। जल्दी आना। बाय। बाय। मिलते शाम को। अदरक के। मैं 5 बजे सुबह रात नहीं थी। हाँ सुबह हो रही थी बेटा। फ्रेंड्स मैं फ्रेंड्स को बता देती हूँ ना, आप किस बारे में बोल रहे हो फिर बताना। फ्रेंड्स तो आज सुबह 5 बजे के तकरीबन निष्ठा जोशी को उल्टी उल्टी हो गई। अब मोम का भी, मोम का तो चलो कुछ और ही है, इसका तो इसने खाट ठूस ठूस के ऊपर से ठंड भी लग गई। इसको ऊपर जाना है ना, 2 दिन कोहरा था तो दोनों दिन इसको कोहरे में जाना है। तभी तो उसके बारे में कुछ बात बता रही है, बताओ है कैसे आई। मैं लेटी पड़ी थी आराम से। मैं उठ कर खड़ी हुई, मैंने थोड़ी देर वेट किया वेट किया वेट किया कि रुक जाए रुक जाए। फिर मैंने ना मम्मा को बताया, मम्मा उल्टी आई हूँ, मैंने एकदम से ऐसे करके ऐसे मुझे करा दी। क्योंकि आप लेट तक सो रहे हो तब तक तो आप उठ जाते हो ना। पाँच बजे भी हो रहा था आपका, 6 बजे टाना नाना। आ गए दादू। आ गए बोलिए। क्या मेरे लिए कुछ लाए हो? सामान लाया बाबू घर का। मेरे लिए दही लाए। मेरे घर में दिखा दो क्या लाए। ये लाए फॉर्चून, देसी घी और तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये लाया जा रहा है। मम्मा के लिए। मलाई दही। हाँ ये इतने खाइए बस। हमारा मन तो बहुत अच्छा है। जितना खाया जाता मैं तो उतना ही खाती। इन्नू खाया वो, इन्नू से रोटी। कबाड़ खाने से अच्छा है बेसिक से, आपको अगर पूरी करनी है तो पूरी खत्म कर दो, लेकिन इसके बाद ये मत कहना कि मुझे एक कबाड़ खाना है वो कबाड़ खाना है। एक बार पेट भर लो शाम तक खत्म। और हाँ गाइस, खाने से पहले हम टीचर से भी आज पूछते हैं, तो मैंने अपने साइड में रख लिया।
क्यूट लग रहा है कैसे आ गया मैं आज बना रही हूँ आपके लिए रोटी और वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल है। मम्मा के लिए दो अंडे उबाल दिए मैंने बॉईल कर दिए और आपके लिए ऑमलेट बना देंगे दादू ठीक है। और कितनी रोटी डैडी आपके मना कर रहे हैं रोटी खाने के लिए आज वहीं खाएंगे ऑफिस से खा के आएंगे लेट आएंगे ना आज। आपकी मम्मा बता रही थी कि लेट आएंगे आपके डैडी तो एक या ये दो रोटी बना दूंगी ठीक है। तो गाय निष्ठा की समोसा रोटी बन गई थी ऑलमोस्ट। दादू दादू आए मैं बनाता हूँ अच्छे से वो बनाने भी नहीं दे रही है अब बनाने भी नहीं दे रही है। हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और मैं अभी निकला हूं ऑफिस से। आज थोड़ा काम ज़्यादा था तो निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। अभी बज रहे हैं 11:15 और आ रही है बहुत तेज़ नींद फिर भी चल रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि सोने का टाइम भी हो ही गया यार। पूरे दिन का थका हुआ नींद आ रही है लेकिन धीरे धीरे ड्राइव कर रहा हूँ। अभी तो जस्ट मैं निकला हूँ ऑफिस से तो अभी मुझे लगेगा आधा पौना घंटा रोड तो खाली हो गया और डिनर वगैरह मैंने कर ही लिया ऑफिस में। और अभी निष्ठा की मॉम से भी बात हुई थी तो वो लोग भी अभी बैठे हुए हैं अभी वेट कर रहे हैं कि कब मैं आऊँगा तो अभी सोए नहीं है कोई भी। तो अभी बस चलते हैं फटाफट घर। तब तक ये देखो आप रात में गुड़गांव कुछ ऐसा हो जाता है। अभी मैं आपको बता ही रहा था कि भाई गुड़गांव की जो नाइट लाइफ है ना मतलब गुड़गांव कभी रुकता नहीं है वही वाली बात है कंटिन्यू यहाँ पे आना जाना लगा रहता है लोगों का लेट नाइट पार्टीज और ऑफिस वाले भी लेट नाइट घर जाते हैं लेट नाइट पार्टीज चलती हैं तो वही सब है इसलिए मतलब ड्राइव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जल्दी आ गए ना आज डैड से जल्दी आ गए ना। कैसे वेट कर रहे थे मेरा कब से जब से पता चला आप आने वाले हैं। तो भाई ये देखो क्या टाइम हो रहा है 11:30 बेचारी वेट कर रही थी मेरे लिए तब से और इसके डैड भी लेट हो गए। मम्मा वहाँ रूम में दादू ऐसे करके सो रहे थे मतलब ऐसे करके सो रहे थे और खटखटे ले से दादू तेरे पापा इसके तेरे और फिर मैंने कहा बच्चे आने वाले हैं तो उठे फटाफट। दिन में क्या कर आज दिन में तो कुछ खाया नहीं ऐसी बेटा की जो खाया था वो बताओ थोड़ा बहुत ही खाया मैंने तो दिन में। खाने का कौन पूछ रहा है मैंने क्या क्या करा पढ़ाई लिखाई मस्ती ये बताओ और मैं छत पे भी गई। छत पे जाने के बाद मैंने थोड़ी सी वॉक की झुक से की क्योंकि छत पे आज बहुत कड़ी धूप आ रही थी। मम्मा तो रूम में ही थी जब मैं गई थी क्योंकि मम्मा मना कर रहे थे कि नहीं नहीं रहना और जैसे ही मैं आई ना छत से वो मैंने यहाँ पर बैठी हुई धूप सेक रही चेयर लगा के चेयर लगा के यहाँ पे आराम से गेट खोल लिया चेयर लगा ली और बैठ के आराम से मम्मा धूप से। कैसे हो ठीक हो बढ़िया मैं तो ठीक हूँ। मेरे को लगा आप तो सो गए होगे। नहीं सो गए हैं ये बात है। मम्मा भी सोई देखो नीचे इतने दिन से आपकी बॉटल पड़ी थी है गाड़ी में मैं बार बार आपको देना भूल जा रहा था तो मैं ले आया अभी लेकिन अभी मत पीना अभी इसमें ठंडा पानी है कर दी यार गर्म हो जाएगा कर दी यार जीने की लाइट बंद कर दी। और तब ठीक है अब कल सुबह सुबह क्या होती है उल्टी यार उल्टी हाँ चॉकलेट खा के पूरी खा के बड़े खा के बहुत पुरानी बात है। एक सुबह क्या हुआ था सुबह पुरानी बात हो गई सुबह से अब तो दूसरी सुबह होने वाली सुबह ये उठी इसने आप नहीं मैं बताती हूं मैं बोला होगा इतने में समझ गई और मैंने ना एकदम से इसको ऐसी थी ये मैंने यूं उठा के ना यूं कर रहे
पता है मेरे पेट पे भी आ रही है। मैं तो डैडी को बोला मैंने ये बिस्कुट यहाँ से उठाओ इसको, मतलब अधर उठाओ ऐसे करके। अब एकदम से कौन ध्यान रखेगा इसको, क्योंकि निकलने वाली या तो मेरे ऊपर ही कर देती सारी यार, सारी बिस्तर बिस्तर पे कर देती। सारी क्या उल्टी शकर, क्या उल्टी किसने कर दी उल्टी? तुरंत ऐसे मैंने अपने पेट के मुंह गिरा दिया इसको, फिर बेवश चिल्ला पड़ी वो बाद में अपनी मम्मी पे। ये देखो इसका मासूम चेहरा देखो गाइस, पहचान लीजिए इसको। ये खा पी के चॉकलेट वॉकलेट खाती है अंधाधुन, और फिर सुबह उल्टी करती है। कल तो बहुत कुछ खा लिया है ना। एक बात, एक स्टोरी सुनाओ, बहुत पुरानी बात है। कब की? एक दिन मैं नहीं, एक दिन मैं हुई बीमार, मुझे 10 साल पुरानी याद नहीं है मुझे कितनी पुरानी है। एक दिन मैं हो गई बीमार, हाँ सुबह हो रही ठंड हो रही, तब ठंड का मौसम चल रहा। हाँ हम दोनों लेटे हुए, मम्मा मेरे साथ लेटी हुई, डैडी को खड़ा कर दिया आराम से सामने। हाँ और खड़ा करने के बाद मम्मा ने मेरे से पूछा किस आदमी ने मार के आपको, मैंने भी डैडी के नाम लगा। अच्छा फिर किस इंसान ने, मैं इसके पास गई मैंने बोला मेरे बच्चा बीमार हो गया ऐसे से, कोई बात लेकिन आपको किसने बीमार, आपको किसने खिलाया था जबरदस्ती कल, है आप तो नहीं खा रहे थे ना? नहीं। फिर वो किसने करा, किसने खिलाया? डैडी ने। मैं ले लो देखा मैंने कि अगर यही चीज मैं करती ना तो ये मेरा भी नाम लेती, इसलिए इसकी इसके मुंह पे मासूम मुंह पे जाना ही नहीं चाहिए कि खाना है खाना है खाना है खाना है। ये तो मत मानो इसकी बेचारी है तो मासूम, लेकिन साथ ही मासूम है, एक तो साथ ही मासूम है। और फिर मैं बार बार ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इसे।